जुल्म की बहुत सारी शाखें हैं और जालिमों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, चाहे वो अपने ऊपर जुल्म किया हो या किसी निहत्ते पर जुल्म किया हो। आज दुनिया में जो हालात हम देख रहे हैं, जालिमों का जुल्म उरूज को पहुंचा हुआ है और कुरान पाक में रब ताला ने जालिमों की निशानियां भी बयान की। ऐसा नहीं कि यह पहली मर्तबा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है, कम मिन खरियतिन अहलकनाहा, कितनी बस्तियां ऐसी हैं जिनको हमने हलाक कर दिया। रब तबारक व ताला ने उनको खत्म कर दिया क्योंकि वो जालिम थे। जालिमों की बस्तियां जो हलाक हुई, कुरान पाक में तीन मिसालें आपको बताता हूं। एक नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत और उनकी आबादी, दूसरी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, तीसरी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम। ये तीनों कौमें ऐसी हैं, गुनाह में तो थी लेकिन गुरूर बहुत ज्यादा था, घमंड बहुत ज्यादा था। आज के दौर में अगर किसी के पास पेट्रोट मिसाइल हैं और बम बारूद की ताकत रखता है, न्यूक्लियर पावर है, तो वो ये समझता है मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। यह हर दौर में जालिमों का ख्वाब रहा है, हर दौर में जालिम इसी तरह की फिक्र रखते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम बहुत मजबूत कौम समझी जाती थी। अल्लाह ताला ने अपने नबी को जब हुक्म फरमाया कि आप एक कश्ती बनाएं बहुत बड़ी, तो वो आपका मजाक उड़ाते थे। यहां दूर दराज कहीं न नदी है, न नाला है, न समंदर है, कश्ती किसमें चलाओगे? अल्लाह के नबी को पता था कि अजाब आने वाला है और अपने ईमान वालों को आप डरा भी रहे थे, लेकिन कुफार और मुशरिकीन गुरूर और तकबर में ऐसे थे, यहां तक कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, जो काफिर था, कहा मेरे साथ आ जा, या बुनय्यरकम माना वला तकुम माल काफिरी, बेटा हमारे साथ आ जा, काफिरों के साथ मत जा। उसने क्या कहा? काल सआवी इलल जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं तो पहाड़ की ऊंची चोटी पर चला जाऊंगा, तुम्हारा पानी मुझे कुछ नहीं कर सकेगा। ये उस वक्त जालिमों का ख्याल था, गुमान था। फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वो फज्जरनल अर्द अयुना, हमने जमीनों के सारे चश्मे फाड़ दिए, हर जगह से पानी के सोते निकले, और फिर आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए। फतहना अबवाब अस्समाई बिमाई मुनहमिर, अल्लाह फरमाता है आसमान के सारे दरवाजे पानी के खोल दिए, आसमानों से पानी और जमीनों से पानी। फल तकल माउ अला अम्रिन कद कुदर, सूरे कमर की आयतें हैं। रब ताला फरमाता है पानी इतना बढ़ गया कि जो रब तबारक ताला की तय की हुई मुआयना निशानी थी वहां तक जाकर पानी मिल गया। रूए जमीन पर कोई बाकी ना रहा सिवाय हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के, कोई नहीं बाकी रहा। जब ये पानी फैल गया, क्या पहाड़ों की चोटियां, क्या महलों की ऊंचाइयां, सब गर्क हो गए। और वो जबाबरा, वो कुव्वत के बादशाह जो कहते थे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, सड़ गए पानियों में। सिर्फ पानी अल्लाह ताला भेज दे तो इंसान उसे रोक नहीं सकता, अजाब इलाही को कैसे रोक सकेगा। दूसरी घमंडी कौम, गुरूर में मुबतला कौम थी हजरत लूत अली सलाम की कौम, जो बदकारियों में मुलविस थे। अल्लाह का जब अजाब आया तो कुरान पाक में रब ताला फरमाता है, वामतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, नोकेले पत्थरों की हमने उन पर बारिश की। फजअलना आलियहा साफिलहा, उनकी ऊंचाइयों को उठा करके नीचे पलट दिया गया, जमीन को फरिश्तों ने ऊपर तक उठाया और उसके बाद पलट दिया। ये पूरी बस्ती गर्क हो गई, खत्म हो गई। ये बस्ती भी वही थी जिसको हजरत लूत अलैहिस्सलाम बार बार तंबीह करते थे कि जुल्म से बचो, जुल्म से बचो, जुल्म अल्लाह के अजाब को दावत देता है, लेकिन वो मजाक उड़ाते थे। और जब हलाक और बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, उनकी निशानियां भी बाकी नहीं रही, वो पत्थरों की बारिशें कहां हुई थी वल्लाहु आलम। लेकिन मेरे अजीजों, हमने देखा है जहां ये कौम आबाद थी
उस इलाके को आज बताया जाता है वो जॉर्डन का इलाका था, बहरे मुर्दार, जहां पर आज बाकी डेड सी। मैं खुद सफर पर देखा जॉर्डन की एक सरजमीन पर गाड़ी चलती जा रही है और काले काले पत्थर, जहां तक नजर करो सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं, बहुत नोकेले। ऐसे पत्थर मैंने दुनिया में दूसरी जगहों पर नहीं देखा। आज भी उसी तरह से बाकी तकरीबन 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक सिर्फ पत्थर ही है। बीच में सिर्फ एक रोड जाता है, उसके बाद ना कोई दरख्त दिखता है, ना कोई इमारत है, ना कोई पहाड़ है, सिर्फ पत्थर, पत्थरों का सहरा है। आज की इस सदी में देख करके उन पत्थरों को हैबत तारी हो जाती है। जिस वक्त वो बरसे होंगे उनकी हालत क्या होगी। और मैं ये नहीं कहता बिज़ब्त कि ये वही पत्थर हैं जो बरसे थे, वल्लाहु आलम। लेकिन मेरे अजीजों, निशानियां आज भी अजाब इलाही की मौजूद हैं। तीसरी कौम थी कौम शुआब और कौम सालेह अलैहिस्सलाम। ये दोनों कौमों के बारे में जिक्र करता हूं। हजरत शुआब अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ नाप तोल में कमी करती और कुफ्र शिर्क भी करते। शुआब अलैहिस्सलाम उनको रोकते तो वो उनका भी मजाक उड़ाते। और जब अजाब इलाही के आने की बात किया तो जानते हैं क्या कहा उन्होंने? ये वो कौम थी जो पत्थरों को तराश करके घर बना लेते थे, यानी पूरे के पूरे पहाड़ को, पत्थरों का जो पहाड़ होता है उसको तराशते थे और एक आदमी का एक घर एक पहाड़। आज के दौर में सारी बिल्डोजर मिलकर के नहीं कर पाए, मशीनें मिलकर ना कर पाए। वो उस वक्त के लोग भारी भरकम थे, जसामत वाले थे, ताकत वाले थे। जब वो अपने रहने के लिए एक पहाड़ को तराश सकते थे, 4000 साल पहले की बात कर रहा हूं, उस वक्त मेरे ख्याल से वो अपने जमाने के सबसे बड़े मॉडर्न लोग या तरक्की याफ्ता लोग कहलाते होंगे, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कहलाते होंगे। जैसे आज लोगों को लगता है रशिया और अमेरिका बहुत पहुंचे हुए हैं टेक्नोलॉजी में, उस दौर के वो लोग सबसे बड़ी ताकत के रखने वाले थे। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह के अजाब से डराया तो क्या कहते थे? अजाब वही ना जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम में आया था, बारिश आ गई थी, जमीन से पानी निकल गया था तो पानी बहुत हो गया था। या फिर वो जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आया, पत्थरों की बारिश, या फिर हवाओं का अजाब। अगर ये तीनों भी आए तब भी हमारे इन पहाड़ों के घरों को नुकसान नहीं कर सकेंगे, उनका इतना गुरूर था। अगर पानी भी आ जाए समंदरों का, या हवा भी तेज चले, या पत्थरों की बारिश हो, हम तो बहुत महफूज किलों में हैं। अंदाजा करो मेरे अजीजों, 3000-4000 साल के बाद आज तक मदाइन सालेह और अल ओला सिटी नाम से सऊदी में मौजूद है, अभी तक वो घर मौजूद हैं, तो उस जमाने में कितने मजबूत रहे होंगे। पता नहीं 3000 सालों में कितने तूफान आए, कितने सैलाब आए, लेकिन अभी तक वो पहाड़ों के घर मौजूद हैं, तो उस जमाने में कितने ताकतवर होंगे। उनका नशा आसमान पर था, गुरूर चढ़ करके बोल रहा था। कहते थे कि अगर उस तरह के अजाबात आ भी गए तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। कौन सा? नूह अलैहिस्सलाम की कौम का अजाब आ जाए, लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अजाब आ जाए, या फिर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का अजाब आ जाए। ये सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की बात कर रहा हूं। तो फिर हुआ क्या? अल्लाह के नबियों ने उन्हें डराया अल्लाह के अजाब से, बाज आ जाओ, अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ झुक जाओ। वह अकड़ थी, गुरूर था कि नबियों का मजाक करते। फिर हुआ क्या? कुरान कहता है सिर्फ एक फरिश्ते को अल्लाह ताला ने जमीन पर उतारा, एक फरिश्ते को उतारा, और उसके बाद उस फरिश्ते ने एक चिंगार लगाई, एक आवाज की, एक आवाज, सिर्फ फरिश्ते की एक आवाज ऐसी थी कि जितने अपने मजबूत किलों में घरों में मौजूद थे, इस आवाज की हैबत से उनका भेजा कानों से बाहर निकल आया था। और सुबह के वक्त जब उस बस्ती में जाकर के देखें तो सब के सब औंधे मुंह गिरे हुए थे, एक भी उसमें से बचा हुआ नहीं था। ना नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया, ना लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर बरसने वाले पत्थरों का अजाब आया, ना ही हवाएं चलाई गईं। एक फरिश्ते को भेजकर रब ताला ने अपनी कुदरत का मुजाहरा फरमाया
अल्लाह के करोड़ों अरबों लातादाद फरिश्ते हैं, एक फरिश्ते की ताकत ऐसी है कि अगर वो अपनी आवाज निकाले तो तुम्हारे कानों से भेजा बाहर निकल आए। अल्लाह वहदहु ला शरीक, वो हय्यु कय्यूम कल भी था और आज भी है। वो रब्बे जुल जलाल हय्यु कय्यूम है, ताकतवर है और हमेशा रहेगा। और रब तबारक व ताला ने कुरान पाक में फरमाया, आप ये आयत तकरीबन तीन जगह कुरान में आई, व इज़ नज़ैनाकुम मिन आलि फिरौन यसूमूनकुम सू अल अज़ाब युज़बिउना बनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम। रब ताला फरमाता, याद करो फिरौनियों के अजाब से अल्लाह ने तुमको नजात दी। ये बनी इसराइल को कहा जा रहा है कि फिरौनियों के अजाब से, कि फिरौन और उसके लश्करी इस कदर सख्त सजाएं देते थे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर, ईमान वालों पर, बनी इसराइल पर। अल्लाह फरमाता उनसे नजात दिया रब ताला ने, लेकिन वो करते क्या थे, बनी इसराइल में एक भी बच्चा पैदा हो जाए उसे जबा कर देते थे। फिरौन के लश्करियों ने एक साल में 12,000 बच्चों को कत्ल किया है, 12,000 बच्चों को जबा कर दिया है। आज के इजरायली अगर ये बच्चों पर जुल्म करते हैं तो ये ताज्जुब की बात नहीं है, फिरौन की सरिश्ते में दाखिल था और ये फिरौनी है। वक्त के जबाबरा हैं, वक्त के जालिम हैं। 12,000 बच्चों को कत्ल कर दिया था फिरौन और उसके लश्करियों ने, और औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, तीन जगह आई आयत, लेकिन उसके साथ रब ताला ये भी फरमाता है, ये सख्त तरीन सजाएं देते थे फिरौनी, अल्लाह ने उनसे तुमको नजात दिया, लेकिन ये सजाएं क्यों देते थे, ये अजाब क्यों था, वो फी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम। ये है फरमान अल्लाह का। यहां मैं ये टुकड़ा अगर बयान कर दूं तो आज आपके दिलों के अंदर एक यकीन पैदा हो जाएगा, आज के हालात के मुताबिक फिरौनियों का इस कदर सख्त अजाब क्यों था। रब ताला फरमाता है, ए मोमिनो, इन तमाम मामलात में अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ा इम्तिहान था, यह इम्तिहान था और वह इम्तिहान आज भी है और हर जमाने में रहेगा। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बुलहबी से चरागे मुस्तफवी, हर जमाने में हक और बातिल के मारे के होते रहेंगे। लिहाजा आज के दौर में ये सब हालात जो पैदा हुए, मुसलमानों को, मोमिनीन को जरा बराबर भी नर्वस होने की जरूरत नहीं। तुम जिस दीन से वाबस्ता हो, इस दीन की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है। युरीदून लियुतफिउ नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम, कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुफार और मुशरिकीन अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के इस चिराग को बुझाना चाहते हैं, अल्लाह अपने इस चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। ये इस्लाम नूर इलाही है, अल्लाह का नूर है और इसको सुबह कयामत तक रहना है। और हम जैसे और भी आएंगे इस जमीन पर और आएंगे जाते रहेंगे, ये आबादियां हैं बदलती रहेंगी, खुदाई कानून है, लेकिन इस्लाम न कल बदला था, न आज, न कयामत तक बदलेगा। हम सबका इम्तिहान है मेरे अजीजों, हम सबका इम्तिहान है, लेकिन इन हालात में मोमिनीन को करना क्या चाहिए, उन्हें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। कभी किसी के उड़ते हुए छीतड़े और टुकड़े देखकर तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं। अब हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, अब मेरे अजीजों आज जो हालात हैं ये हालात करबला से ज्यादा सख्त तो नहीं हैं। आज फिलिस्तीनियों को हमने देखा, 6 माह के साल भर के बच्चों को सीने से लगाकर कफन लपेट रहे हैं। उन माओं की क्या कैफियत होती होगी, कभी कभार छोटी सी क्लिप में देख करके आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। उन्होंने अपने हाथों से न जाने कितने बच्चों को एक दिन में दफन कर दिया, 80-80 मैयतों को एक कब्र में डाल दिया करते हैं। उन फिलिस्तीनियों को लाखों सलाम, उनके जज्बात को और उनकी इस्तेकामत को हम तो दुआ यही करते हैं। उन फिलिस्तीनी मुसलमानों के बराबर पूरी दुनिया के मुसलमान नहीं हो सकते, हम तो एक नाश्ते पर सबर नहीं कर पाते, वो अपने 10-10 बच्चों और खानदान वालों के कटे हुए छीटड़ों पर भी कहते हैं अल्लाह हमारे साथ। सारी मुसीबतें देख करके भी वो कहते हैं अल्लाह हमारे साथ है।
उनके घर उड़ा दिए गए, तबाह कर दिए गए, राख में बदल दिए गए। और न्यूज ने एंकर ये दज्जाली मीडिया वहां जा जा करके उनके जख्मों को कुरेद करके पूछता है, तुम्हारा माल कैसे आएगा, तुम्हारा घर कैसे चला गया। लेकिन उन हालात में भी वो मुस्कुरा कर कहते हैं, अल्लाह ने दिया था, फिर अल्लाह है और अल्लाह देगा। उनके ईमान के बराबर हम नहीं हो सकते, लेकिन मेरे अजीजों, पूरी दुनिया के मुसलमानों में इस मसले ने आज एक इत्तेहाद की फिजा कायम की है। अगर हमारे दरमियान आज भी इत्तेहाद नहीं हो सकता, तो फिर मेरे अजीजों, शायर ने सच कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते खाबे गिराम बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। आज के हालात तुम्हें अगर नहीं बदलने पर मजबूर किए, तो फिर बताओ कौन से हालात तुम्हें बदलेंगे, कब तुम बदलोगे। लेकिन इन हालात पर आज बाज लोगों ने यह कहना शुरू किया। मैंने चंद दिनों पहले एक आयत पढ़ी थी एक बयान में, कहा था अल्लाह कुरान में फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने हक दीन के साथ अपने रसूल को भेजा है और हिदायत के साथ अपने रसूल को भेजा है। क्यों भेजा है? लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि वह रसूल पूरी दुनिया पर यह दीन गालिब करे, यह दीन गालिब आएगा। तो बाज मुझसे कहने लगे, मौलाना स्टेज पर बैठ कर चिल्लाते हो, कहीं कुर्सियों पर बैठकर कहते हो कि तुम्हारा दीन गालिब आएगा, तुम्हारा दीन तो आज टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पाता। उन जालिमों को मैं ये कहता हूं, उनको ये मैं कहता हूं, इन तमाम हालात से तुम हरगिज ये मत समझना कि दीन गालिब आएगा। चांद पर भी गहन लगता है, लेकिन जब गहन छटता है तो चांद पूरे आबोताब के साथ चमकता है। आज अगर उम्मत मुस्तफा पर गहन लगा है, तो मैं अपने इन तमाम नौजवानों से जो अभी उन फवाने शबाब में दाखिल हुए हैं, अभी अभी ये दुनिया को देखने के काबिल बने हैं, मैं उनसे कहता हूं, इन आंधियों से, इन तूफानों से घबरा करके न तुम्हें दीन बदलने की जरूरत है, न तुम्हें अपना मसलक और मजहब बदलने की जरूरत है, बल्कि मैं ये कहता हूं, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अजीजा ने गिरा में वकार, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो होकर रहेगा, वो होकर रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान मैं सुनाता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, ला तज़ालु इसाबतु मिन उम्मती युकातिलून अला अबवाबी दिमश्क व मा हौलहा وعلى ابواب بيت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق الى ان تقوم الساعه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم। मेरे आका फरमाते हैं, قیامت تک मेरी उम्मत में से एक जमात ऐसी होगी जो बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द हक के लिए लड़ रही होगी। हुजूर ने फरमाया قیامت تک लड़ती रहेगी, लेकिन साथ में उनके लिए मेरे आका ने फरमाया, पूरी दुनिया के बुरा चाहने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप हमसे पूछते हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा, हुजूर ने फरमाया कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं उनके घर तबाह हो गए, बच्चे मर गए, छोटे बच्चों के सरों से बाप का साया निकल गया, किसी के सामने उसकी मां की तड़पती हुई लाश है, और हदीस में कहा जा रहा है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब तो बिगड़ गया, माल भी गया, दुकान भी गई, तिजारत भी गया, घर भी गए, औलाद भी, रिश्तेदार भी, और हदीस में कहा जा रहा है कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे अजीजों, याद रखो, मेरे आका का फरमान हक है। कुछ नहीं बिगड़ेगा का मतलब क्या है? ये तमाम असबाब जाने का मतलब ये नहीं है कि बिगड़ गया, बिगड़ा तो उसका है जिसका ईमान बिगड़ गया, ईमान जिसका गया उसका सब बिगड़ गया। और हमने उन बच्चों को देखा है आज, अरे रात को सोते हैं तो उन्हें पता नहीं होता सुबह होगी भी कि नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद एक दिल दहला देने वाली बात मैं बताता हूं। मिस्र की सरजमीन से लोग पानी के बोतलें और डब्बे उठा उठा करके बॉर्डर पर जा रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन गजा के वो मुसलमान कहते हैं, अपना पानी तुम रखो, अल्लाह करीम हमारे लिए कहीं से अपनी ही जमीन से पानी अता करें।
उनको लोग कह रहे हैं क्या आप नहीं देख रहे हैं? वक्त का बड़ा फिरौन रोज अल्टीमेटम देता है, 24 घंटे में इलाका खाली करो, निकल जाओ, घर खाली करो। कैसा ईमान है तुम्हारा क्या आने वाली बड़ी बड़ी मिसाइलों का अपने सीने से मुकाबला करते हैं। और कहते हैं कल से हम यही थे, आज भी यही हैं और यही रहेंगे और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। ये जो इस्तेकामत है इसी को मेरे आका ने फरमाया दुनिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ईमान अगर मजबूत है तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्चियां, ट्रेंड चला हुआ है उनके मोहल्लों में, ट्रेंड चला हुआ है, अपने अपने हाथों में मेहंदी से अपना नाम लिख रही हैं, हंसी खुशी। पूछा उनसे कि नाम लिखने का ट्रेंड क्यों चला है अभी जंग के हालात में मेहंदी से? कहती है कल को अगर हम उड़ गए, चेहरा नहीं मिला, जिस्म नहीं मिला, हाथ अगर बचा हुआ हो तो नाम देखकर हमारे मां बाप पहचान तो सके। शहादत का यह जज्बा, शहादत का यह जज्बा 6 साल के बच्चों में अगर आया है यकीनन उनके सीनों में ईमान मौजूद है, ईमान मौजूद है। मेरे अजीजों जरा अपने हालात पर जरा तवज्जो करो, मौला करीम ने हमें किस चीज की कमी दी है, कौन सी चीज कम आई हमारे घर में? हम तो मुरक्कन गिजाएं रोज खाते हैं, आज हमारे पास सारी नियामतें अल्लाह ने दी हैं। हम अय्याशियों के अड्डों पर पूरी रात गुजारते हैं, हमारे शहर आज जिस गली से गुजर जाए सुबह की अजान तक यहां गप्पे लगाते हुए खड़े रहे। ऐ मेरे अजीजों हालात तो हमारे ऐसे हैं कि खा खा करके चर्बियां चढ़ गई, हमें उनका क्या एहसास हो पाएगा, उनका क्या एहसास हो पाएगा जिनके यहां पानी से ज्यादा खून देखा जाता है, जिनके यहां जिंदों को पकड़ने के लिए नहीं अब मुर्दों को पकड़ने के लिए लोग भी नहीं है। अजीजा ने गिरा में वकार, जनाजा उठाने के लिए लोग पूरा दिन इंतजार करते हैं, कोई नहीं है। पुरसाने हाल इन सब हालात के बावजूद मैंने एक बच्चे को भी वहां से ये कहते हुए नहीं सुना कि हम पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, हमको यहां से निकाल लो, मदद करो, कोई आओ, नहीं। वो सब सिर्फ इतना ही कहते जो कुछ हो रहा है हम अल्लाह के पास जाकर कहेंगे, ये सारे मामलात हम अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। यह है ईमान, यह है इस्तिकामत। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान के मुताबिक उनके लिए इतनी ही बड़ी दौलत काफी है। आखिर में मैं इतना कहूंगा, इसराइल के कुत्ते और सालिम मिलकर ईंट से ईंट बजा दें, उनके टुकड़े टुकड़े करके राख कर दें, तब भी हम कहेंगे फतह तो बैतुल मुकद्दस की ही है, फतह तो उन मजलूमों की है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था फिर भी वो डटे रह गए। तुम्हारे पास तो पेट्रोट मिसाइल, बड़े बड़े तुम्हारे पास तोप, बहुत सारी चीजें होकर बच्चों पर, हॉस्पिटल पर, न जाने कितनी जगहों पर तुमने बमबारियां की हैं। मुझे हैरत होती है पूरी दुनिया आज भी खामोश तमाशाई है। यह जुल्म नहीं है तो और क्या है? और जब जुल्म अपने उरूज को पहुंचता है अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह का अजाब आता है। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो जितने खामोश तमाशाई थे सब उस अजाब में गिरफ्तार होंगे। इसलिए मेरे अजीजों आप हमसे अगर ये पूछते हैं हमें यहां बैठकर करना क्या चाहिए, हम कैसे करें, तुम्हारा दिल अगर रो पड़ा उनके दर्दों से यह भी लिखा जाएगा, यह भी लिखा जाएगा। यह बंदा जा तो नहीं सकता था लेकिन अपने भाई के दर्द में ऐसा बेकरार था कि इसका खाना छूट गया था, ऐसा बेकरार था कि इसकी नींदें खत्म हो गई थी, यह भी लिखा जाएगा अल्लाह की बारगाह में। लेकिन यहां बैठ करके हम अय्याशियों पर अय्याशियां करें, अपने गुनाहों से कभी बाज ना आए तो फिर मेरे अजीजों उन निहत्य मजलूमों के हम बहुत खतरनाक किस्म के दुश्मन कहलाएंगे, जहां उनको पानी का एक कतरा नहीं, जहां उनके लिए लुकमा नहीं, वो किसी का बचा हुआ कचरा खाने पर मजबूर है। उस वक्त हमारी बर्तने खानों से भरी हुई हैं, हमारी दावतों में हमारे बचे हुए खाने गटर और नालियों में बह रहे हो। इन हालात में मेरे अजीजों पकड़ होगी हमारी भी, पकड़ होगी। बदलो अपने हालात, उठो वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मैं आप सब से यही कहना चाहूंगा ये जो हालात पैदा हुए हैं पूरी दुनिया में ये मेरे आका के फरमान के मुताबिक अंदेशा ये लग रहा है अनकरीब इमाम मेहदी का जहूर होने वाला है।
इमाम महदी का जहूर होगा और हालात बदल जाएंगे, लेकिन हमको किसी के आने का इंतजार करते हुए हालात का इंतजार नहीं करना है। अभी बदलो, आज बदलो, अल्लाह की तरफ दौड़ो और उससे गिड़गिड़ा कर कहो कि मौला करीम, हमारे शामत अमाल, हमारी बुराइयों के सबब अगर ये तेरी पकड़ है, हम तौबा करते हैं तेरे दरबार में। जानते हो मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह के गजब को अगर कोई चीज ठंडी करती है तो एक मोमिन सालेह की रिक्कत अंगीज दुआएं और उसके निकलने वाले आंसू अल्लाह के गजब को ठंडा करते हैं, अल्लाह के गजब को ठंडा करते हैं। तुम गिड़गिड़ाओ उस मौला की बारगाह में, ये नहीं कि इज्तिमाई तौर पर किसी के सामने आप रो धोकर चले गए या फिर आप लोगों को दिखाने के लिए कोई स्टेटमेंट जारी कर दिए, नहीं, तन्हाई में बैठे हो, अकेले में बैठे हो। जैसे कि कल एक बहुत अच्छी चीज मैंने देखी थी, हमारे उलमा ने ऐलान किया था, पूरी दुनिया मिलकर के जुमेरात का रोजा रखे, इसलिए कि रोजा अल्लाह को पसंद है और इफ्तार से पहले अगर कोई दुआ करे, अव्वल दुआ हमारी उन मजलूमों के हक में हो, उन जालिमों के खिलाफ हो, मजलूमों की मदद के लिए हो, यकीनन अल्लाह की मदद आएगी और आएगी, क्योंकि कुरान बार बार कहता है अला इन्ना नसर अल्लाह करीब, आगाह हो जाओ बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। अजीजा ने गिरामी वकार, मैं इन्हीं तमाम बातों से अपनी गुफ्तगू को आज समेटता हूं। आज के इन हालात में आपकी जिम्मेदारी है अपने ईमान पर मजबूती से जमे रहो, इस्तेकामत। बाज लोगों को आज ये लगता होगा कि वहां हालात बिगड़े हैं तो ये मुसलमान क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, क्या करने वाले, वैसे ही हम खत्म किए जा चुके हैं, टुकड़े किए जा चुके हैं, हम कुछ करने, बस तुम अपनी जिंदगियां बदलो, नशा से बाज आ जाओ और जितने खुराफात हमारे मोहल्लों में आए इससे निकालो। अल्लाह का अजाब आता है, अल्लाह की रहमतें रूठ जाती हैं। एक बार हम बदल लिए तो मौला करीम अपनी रहमतों के साहिबान फरमा देगा हम पर, और बस हम, हमारी तमन्ना यही है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, कदीर जब्बार खुदा, कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमा। हे रब्बे करीम अहसन अल खालिकीन, हम सब अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं मौला, हमारे गुनाहों की वजह से अगर तेरा ये सख्त तेरी सख्त पकड़ है तो मौला तू अपने गजब को ठंडा फरमा दे, तू अपने गजब को ठंडा फरमा दे मौला, तू अपने गजब को ठंडा फरमा दे। ए करीम खुदा, तेरे हबीब की उम्मत तड़प रही है और हर जगह मौला जुल्म सितम का निशाना उन गरीब मजलूमों को बनाया जा रहा है जिनके पास एक वक्त का खाना भी बाकी नहीं रहा। मौला तू अगर मदद नहीं करेगा तो कौन मदद नाजिल फरमाएगा।